ये साथ में लग रहा है, ये साथ में इसमें डाल कर उनको दे रहे हैं। अब 2 दिन के बाद उसके बाद हम फोन करके उनको ये दे रहे हैं। ये है ऑफिशियल सर्टिफिकेट। होमिसाइड को लेके जो है लोगों में कहीं ना कहीं जो धारणा बनी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं मुश्ताक अहमद गनाई, तहसील जम्मू नॉर्थ जानीपुर, डूमी सेल का मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले डूमी सेल का जो काम शुरू हुआ था वो इसी तहसील से शुरू हुआ था। कोविड-19 की वजह से बहुत रश रह रहा था यहाँ पे, बहुत पब्लिक आ रही थी, लोगों में एक ऐसा हवा बन गया था कि डूमी सेल सर्टिफिकेट इसके बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए यहाँ पे, आप एक फ़ाइल बनाइए, आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, आप अपना स्टेट सब्जेक्ट की कापी लगा लें, आप आधार कार्ड की कापी लगा लें और आप राशन कार्ड की कापी लगा लें, आप यहाँ पे फाइल जमा करें। 2-3 दिन के बाद हम आपको फ़ोन करेंगे और आपके घरों में हम ये पहुँचा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास इस वक्त, हमने यहाँ तहसीलदार जो जम्मू हमारे हैं जय सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर 5 स्टेशन बनाए हुए हैं। हमने मिश्रीवाला में भी एक स्टेशन रखा है ताकि कोविड-19 से लोगों को परेशानी ना हो। हमने मुठी में भी एक स्टेशन रखा है, हमने नारदनी में भी रखा है, हमने बंतला में भी रखा है और हमने यहाँ जानीपुर में भी रखा है। हमने पूरे गांव, 2-3 गांव के हर जगह हमने एक स्टेशन बनाए हैं ताकि कोविड-19 से लोग बचें। हम आपकी माध्यम से लोगों को ये कहें कि यही कहना चाहते हैं कि आप आइए अपने अपने गाँवों में, जहाँ जहाँ हमने ये स्टेशन बनाए हैं, आप वहाँ जाके फाइलें जमा कराएं और 2 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको हम फ़ोन करेंगे। और इसके साथ ही आज एक हफ़्ता और हो गया, 8-10 दिन, डिप्टी कमिश्नर मैम जो है उन्होंने एक ये जो आप देख रहे हो मेरे पास, ये एक हम हर फाइल के साथ एक ये डाकखाने का एक ये लग रहा है, एक सारे लिफाफा लगा रहे हैं, इसमें हम 30 रुपये की टिकट लगा रहे हैं। और आज तक मैंने कम से कम 300 लोगों को, मैं जानीपुर की बात करूँगा, 300 लोगों को हमने बाई डाक भी घर में मतलब ये पहुँचा दिया है। मेरे पास 11,983 हमारे पास ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, 23,820 ऑफलाइन हमारे पास लोगों ने ऑफलाइन फाइलें आई थी, जिसमें से हमने इस वक्त तक टोटल हमारे पास 35,000 फाइलें हमारे पास जमा हुई थी, जिसमें से हमने ऑनलाइन 57,758 हमने लोगों को इशू कर दिए हैं। और जो मेरे पास ऑफलाइन फाइलें आई थी 22,756 हमने वो भी इशू की है। टोटल तहसील जम्मू नॉर्थ से 28,514 हमने इशू कर दिए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर रात अभी भी आप देखो इस वक्त 7 बज रहे हैं, हमारे लोग इस वक्त भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम आपकी माध्यम से लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप घरों से बाहर मत निकले, क्योंकि कोविड-19 दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप एक बंदा जिसको मजबूरी है, एक बंदा आइए, जहाँ जहाँ मैंने स्टेशन के नाम लिए हमारे जय सिंह तहसीलदार साहब ने, हर जगह एक एक हमने स्टेशन रखे हैं। दिन को हम फाइलें पकड़ते हैं, रात को तहसीलदार साहब सुबह शाम 7 बजे, सुबह 8 बजे जाकर वो साइन होते हैं, उसके बाद हम लोगों को कॉल करते हैं और लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। और जिनकी डॉक्यूमेंट, जिनकी टिकट्स वगैरह जो लिफाफे हैं, जिनकी टिकटें पूरी होती हैं, उनको हम बाई डाक भेज रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी अपनी नॉर्थ की बात करूँ, सबसे अच्छा और सबसे पीसफुल, बड़े मतलब आराम से यहाँ काम हो रहा है। और मैं आपकी माध्यम से ये भी कहूँगा कि लोगों को कोई दलाल नहीं, कोई किसी को आपने कोई यहाँ पर बंदा नहीं रखा है, कुछ नहीं करना है, हम उसी की फाइल पकड़ेंगे। क्योंकि हमने ये भी सुना कि कुछ जगह, कहीं जगह पे कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है, डूमी सेल का नाजायज़ उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ, तहसील जम्मू नॉर्थ की बात करूँगा, यहाँ हम जो भी फाइल लेकर आता है हम उसकी स्नैप्स देखते हैं, जिसका फ़ोटो उस पर लगा होगा हम उसी से फाइल ले रहे हैं। हमारे दफ्तर में कोई दलाल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, आप डायरेक्ट आइए, हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल करके पूरा कंप्लीट करके दे दीजिए। 2 दिन के बाद आपको फ़ोन आएगा, आपको भाई डाक जाएगा, मतलब बिल्कुल कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो और मैं आपके माध्यम से यही लोगों को बार बार यही कहूँ कि मत घरों से निकले, डूमी सेल को छोड़ो, ऐसे भी मत घरों से निकले, तो जब भी आपको ज़रूरी है तभी निकलो। बहुत केस बढ़ रहे हैं, बहुत डेथें हो रही हैं दिन ब दिन। कल हमारे यहाँ टेस्ट हुए थे, 14 केस निकले, कोर्ट में हुए थे, 20 केस निकले,
यहाँ हमारे नीचे ऑफिस में हुए थे, यहाँ भी 15 केस निकले। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ, अपनी तरफ से अपने लोगों को, पूरे स्टेट के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, कि कोविड 19 की वजह से बचो, तभी घर से निकलो जब आपको ज़रूरत है।